नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित सांगी के निर्देश पर थाना नंदगंज के सरस्वती स्कूल के पास वर्ष 2013 में मोटरसाइकिल लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों में से एक बदमाश को पुलिस ने झांसी से दबोचा है। पकड़े गए बदमाश द्वारा वर्ष 2013 में अपने चार अन्य साथियों के साथ सरस्वती स्कूल नंदगंज के पास मोटरसाइकिल लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। पुलिस टीम द्वारा घटना में लिप्त तीन अन्य लुटेरों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था, किंतु उक्त लुटेरा घटना दिनांक से ही फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कोले द्वारा 5,000 रुपए के नाम भी घोषित किया गया था। वहीं थाना मुरार में न्यायालय से मारपीट के मामले में जारी स्थायी वारंटी 10 वर्ष से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस द्वारा टेकनपुर से धर दबोचा है। एडिशनल SP राजेश चंडौतिया ने बताया कि दोनों आरोपियों को पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। अब पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में उनके द्वारा गठित अन्य वारदाताओं का भी पता लगाने की प्रयास कर रही है। 2013 में एक घटना हुई थी, जिसमें दो स्टूडेंट्स अपने कोचिंग से मोती तबला होते हुए अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी वो मोती तबला होते हुए जब मेन रोड पर गए तो पीछे से दो मोटरसाइकिल बाइक सवार जिसमें चार लोग बैठे हुए थे उनके द्वारा कट्टा अड़ाकर उनसे बाइक को लूट लिया गया। तो उस आधार पर थाना इंद्रगंज में FIR रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। 2013 में तीन आरोपी तत्काल में पकड़ गए थे, उसके बाद एक आरोपी तभी से फरार था, जिस पर के पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री एमएस सैनी सर के द्वारा 5,000 का इनाम दिया गया था। तो उसको भी झांसी से हिरासत में लिया है, पूछताछ की जाकर उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। और